Hello students, this is the last topic of the chapter. ये last topic है, इसके बाद आपका ये chapter जो है ये over हो जाएगा. Monday में मैं आपका live session लूंगी, ये आप याद रखिएगा. और वो live session में इस chapter से related जितने भी numericals हैं वो सब मैं deal करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने numericals की कोई practice नहीं की है. That is the reason. तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं इस टॉपिक को. What is electrolytic cell and what is electrolysis? बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं इस चैप्टर में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें हम कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कैरिड करवाते हैं, हम उसमें वो चेंज लाते हैं. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी, साथ ही साथ आपको डायग्रामेटिकली भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वर्क कैसे होता है. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन. तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसी चीज का ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जो कि इसमें कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी करवाया जाता है, प्रोसीड करवाया जाता है. अब किसी एक लेस रिएक्टिव मेटल की जो कोटिंग है वो आप मोर रिएक्टिव मेटल पर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो नेचुरल सी बात है ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड पे जाएगा, और जो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है वो कैथोड पर जाएगा. तो उस पर अगर हम ये प्रोसेस नॉर्मली लेंगे तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हम एक लेस रिएक्टिव मेटल की मोर रिएक्टिव मेटल पर कोटिंग ही कर सकते हैं. तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के और अपनी मर्जी से काम करा सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस काम को कर सकते हैं. तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, वॉट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने से पहले आई वॉन्ट टू डील विद यू, आई वॉन्ट टू शो यू आर डायग्राम, एक पिक्चर आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, जरा उसको स्टडी करते हैं पहले एंड देन वी विल सी. दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दे सकते हैं. अब पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस इससे स्टडी करेंगे और उसके बाद जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं हम उसको स्टडी करेंगे. आइए चलते हैं. देखिए यहां पर ये कॉपर लिया गया था, कॉपर का एक रॉड, और ऐसे ही यहां पर एक कॉपर का रॉड लिया गया था. दिस इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, इसको इम्प्योर कॉपर से बनाया गया था जिस कॉपर में इम्प्योरिटीज थी, और ये वाला जो रॉड था ये मेरा प्योर कॉपर का रॉड था. इसको मैंने थिक रॉड लिया था इसका, एक इम्प्योर कॉपर का, और जो मेरा प्योर कॉपर था उसको मैंने थिन रॉड लिया था इसका. अब जब मैंने इनको एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ा और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये जो अरेंजमेंट है एक ही कंटेनर में लगाते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, गैल्वेनिक सेल की तरह दो हाफ सेल्स नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है. यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही करंट पास हुआ हमने लेफ्ट में क्या रखना है, एनोड, जिस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ लोन का फॉर्मूला याद रखिए, लेकिन लोन का फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए होता है जिसमें हमारा एनोड नेगेटिव होता है. मैं पहले भी ये बात मेंशन कर चुकी हूँ कि एनोड की पॉजिटिव या नेगेटिव होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दैट इज एनोड, और जहां पर रिडक्शन होगा दैट इज कैथोड. अब आप जरा इस वाले इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस को देखिए, CuS, Cu+2 एंड दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए. अब हुआ क्या, ये आपकी मेटल की रॉड थी, रिएक्शन ये हुई, सॉलिड स्टेट ये है, यहां से ये सॉल्यूशन में आया Cu+2 और दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए. अब जो इस इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर जो है Cu+2 वो इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन इस पर होना शुरू हुआ, तो नेचुरल सी बात है अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. सो ये जो कॉपर के आयंस है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए और धीरे धीरे कॉपर इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये रिएक्शन इस वाले कैथोड पर होगी.
आप देख रहे होंगे यहाँ पर एनोड पॉजिटिव बनाया है और कैथोड को निगेटिव। हमारा इस पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि इस वाले जो एनोड को हमने लेफ्ट में रखा है उस पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा कैथोड है तो इस पर रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो हमारा जो सेल है वो हमने प्रॉपरली अरेंज किया है, ठीक है। अब जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी एनोड के जस्ट नीचे और इसको कहा जाएगा एनोड मड। ये वाला प्रोसेस आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अगर आप रिकैप्चुलेट करेंगे तो 10th में भी आपको याद आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कॉपर का आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में जा रहा है, तो अंदर किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट किस मूवमेंट में होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में होगा बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो ओपोजिट होगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाएगा करंट, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उल्टा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, करंट की डायरेक्शन हम उसके ओपोजिट लेते हैं। आई थिंक इस डायग्राम से, इस फिगर से आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब हम दोबारा से अपनी प्रीवियस पीपीटी पे चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी करते हैं। आइए, वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इफ अ डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड, डीसी ही अप्लाई करेंगे, एसी अप्लाई नहीं करेंगे। मैं पहले भी दो तीन बात आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसका रीजन आप जानते हैं कि हम डीसी वोल्टेज ही क्यों अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अपने इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी को चेंज नहीं करना है। अगर हमने एसी करंट वहां लगाया तो हमारी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी और हमारा जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट नहीं। रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी शो कर दी हैं उस डायग्राम के थ्रू। हम मेन पार्ट पर आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वो चेंजेस भी ला सकते हैं अपने डिजायर्ड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्शंस को करवा सकते हैं और अपनी जो डेली यूज की रिक्वायरमेंट है या हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकते हैं। दस द कॉपर इज डिसॉल्वड एट एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। This is the basis of an industrial process in which impure copper is converted into copper of high purity. और हमारा जो gold है basically, जो हम कहते हैं 22 carat gold हमने पहना है, 23 carat पहना है या 20 carat, that is just due to the presence of copper. Copper की impurity उसको मिलाई जाती है जिससे कि उसको थोड़ा सा क्या बनाया जाता है, hard बनाया जाता है, नहीं तो gold ना actually में बहुत soft होता है gold. हम उसको normally instrument बनाकर नहीं पहन सकते हैं, okay? So, हम उसमें कॉपर को मिक्स करते हैं, हाई प्योरिटी का कॉपर होता है जिसको मिक्स किया जाता है। द इम्प्योर कॉपर इज मेड एट एनोड दैट डिसॉल्व्स ऑन पासिंग करंट एंड प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड इन द कैथोड। सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स को भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्योर करते हैं। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। अब एक वर्ड यहाँ पर आ गया है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का एक कंपाउंड है, Na3AlF6। हम इसको मिक्स करते हैं विद इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिकॉज अगर हम इसको मिक्स नहीं करेंगे तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिससे हमें एल्यूमिनियम लेना है, वो नहीं होता है। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। दिस इज द टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड टुमारो आई विल टेक, टुमारो मीन्स ऑन मंडे आई विल टेक योर लाइव सेशन, और वो लाइव सेशन हाफ एन आवर से ज्यादा का होगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कवर होते हैं आई विल डील दैट। थैंक यू एंड हैव अ गुड।